आज राजगढ़ के मोहनपुरा डैम पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सभी लाडली बहनों को राजगढ़ जिला से एकत्र कर किया गया है, सभी नगर परिषद पंचायत और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है महिलाओं को लाने की। इसकी जवाबदारी देख सकते हैं, पचोर शहर से महिलाएं रवाना होती हुई। अरे रास्ते में क्या खड़ी है, वो आते नहीं। बड़ो भी आ गए, रुक जाओ एक मिनट, उसको लगा ले तो। अरे रुको अभी, अरे छोड़ो, बहनों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे नगर परिषद पचोर द्वारा की गई है। साथ में शिवनारायण सेन साहब पानी की बाटले यहाँ पर लेके आते हुए और बहुत ही शानदार व्यवस्था के साथ बहनों को महाकुंभ राजगढ़ के मोहनपुरा डैम पर जो होने जा रहा है उसके लिए ससम्मान यहाँ से विदा किया जा सकता है। गाड़ियों का मेला यहाँ पर लग चुका है। हम दिखा रहे हैं अग्रवाल मेरी हाल पचोर दृश्य, जहाँ पर की छोटी गाड़ियाँ भी की हैं बस के अलावा। कर रहे थे आज लाडली बहना जो कि महाकुंभ में राजगढ़ के लिए पचोर से रवाना हो रही हैं और यहाँ पे काका गार्डन पे यहाँ पे सभी की भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर पैकेट की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। हम बात करते हैं लाडली बहनाओं से भी, मिलवाते हैं आपको कि लाडली बहना जो बैठी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, अब इनको यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी हुई कि नहीं, पैकेट की व्यवस्था इनके लिए हुई कि नहीं, पानी की व्यवस्था तो गाड़ी में कैंपर रखवा दिए गए हैं, बॉटलें बांट दी गई हैं। अब ये जो बहनें यहाँ बैठी हैं लाडली बहनें, ये आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता बहनें हैं जो बैठी सामने, हम इनसे पूछते हैं आपको टिफिन का पैकेट भोजन व्यवस्था मिली कि नहीं मिली? मिल गई, सभी को मिल गई, कोई दिया तो नहीं? ठीक है, शासन की व्यवस्था से खुश हैं आप? पानी वानी से मिल रहा है बराबर? चलिए अच्छी बात है। तो शिवराज मामा जी और मंत्री जी राजनाथ जी आज राजगढ़ पधार रहे हैं तो उनकी पूरी व्यवस्थाएं इन बहनों के माध्यम से महिलाओं को एकत्र किया गया है। ये बहनें देख रहे हैं आप, लाडली बहनें, आंगनवाड़ी वाली बहनें, इनकी मेहनत और नगर पालिका कर्मचारियों की मेहनत आज राजगढ़ के मोहनपुरा डैम पर जो बहनें वहाँ एकत्रीकरण होगा वो इन कर्मचारियों की मेहनत से गाँव की गली की मोहल्ले की बहनें इन बहनों ने निकाल के लाई हैं, घर घर से निकाल के बहनें लाई हैं। ये बहनें जो देख रहे हैं आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं और इधर कर्मचारी बैठे नगर पालिका के बीएलओ वगैरह सुपरवाइजर जो बनाए गए थे नगर परिषद द्वारा, इनकी मेहनत से आज बहनें राजगढ़ महाकुंभ में पहुंचेंगी। इस वक्त आप देख रहे हैं पचोर शहर का नज़ारा जो कि अग्रवाल मिरज गार्डन का नज़ारा है। यहाँ पे इनके द्वारा भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई है, पैकेट बना के दे दी गए हैं सभी को। करते हैं लाडली बहनें आंगनवाड़ी वाली बहनों और भाभियों से कि ये बताएंगे कि कब से इस कार्य में मेहनत में लगे रहे थे आप लोग, आप कब से लाडली बहना कार्यक्रम में लगे हुए हैं, आप कौन से वार्ड से हैं, वार्ड नंबर 4 से। क्या नाम आपका? अफसाना। ये जो लाडली बहना प्रोग्राम चल रहा है इसमें कब से, आप शुरू से बताइए क्या क्या स्टेप इसमें आपको निभानी पड़ी, जैसे KYC आपने निभाई, घर घर आप गए, पीले चावल आप दे के आए, ऐसे जो जो भी आपने पूरी 3 महीने मेहनत की है वो जनता को बताइए आप। पहले KYC करवाई, हाँ, फिर पीले चावल देने गए, हाँ, फिर मेहंदी करवाई, हाँ, फिर DVD, हाँ, KYC, हाँ, फिर फॉर्म भरवाए, पत्र बांटे, अब फिर वापस राजगढ़ भी जा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे खुद के पैसे नहीं आए। अरे बड़ा दुख का विषय है तो, मतलब और फिर भी हम लोग आज भी राजगढ़ जा रहे हैं, आप बताइए। अच्छा एक बात और, अभी भी कुछ लोग ऐसे रह गए होंगे ना कि दीदी हमारा तो KYC ही नहीं हुआ अभी तक। नहीं नहीं ऐसे नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे, बस ऐसे ही रहे जिनके पैसे नहीं आए, जिनके पैसे नहीं आए, जैसे मेरे खुद के नहीं आए, वर्कर होने के बावजूद, हेल्पर होने के बावजूद हम लोगों के पैसे नहीं आए। तो इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता दिया तले अंधेरा? अब आप जो भी समझे, क्योंकि हमारी तो मेहनत है और देखिए फिर भी जा रहे हैं राजगढ़, ये सब कुछ होने के बाद भी खुशी खुशी आप हमारी मेहनत छोड़ गए क्या, वो डबल से होंगे क्या चीज, कुछ लोग काम से छूट गए। अच्छा अच्छा, उनके तो पूछ रहे हैं क्या वार्ड में वापस से काम डलेंगे को। आप देख रहे थे इस वक्त पचोर शहर का दृश्य, जहाँ पर की लाडली बहनों के आज महाकुंभ में जाने के लिए रवाना
होने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और हम बता रहे हैं आपको, जैसे अभी एक बहना ने बताया, लाडली आंगनबाड़ी वाली बहना ने, कि उनके स्वयं के खाते में पैसे नहीं आए हैं और कुछ और भी खाते ऐसे हैं जिनमें पैसे नहीं आए हैं, स्वीकृति पत्र उनको मिल चुके हैं। तो देखो, स्वीकृति पत्र अगर आपको मिल गया है तो निश्चित बात है पैसा आपका आना तय हो चुका है। जिनके खाते में एक रुपया आ गया है, बाकी पैसा नहीं आया है, तो 3 से 4 दिन और लगेंगे, सभी खाते में पैसा आ जाएंगे। शिवराज मामा जी ने ऐसी घोषणा में बताया था, 3 दिन लगेंगे, सबके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अब बात रहती है लाडली बहना, लाडली आंगनवाड़ी वाली सिस्टर हैं, जिन्होंने मतलब फॉर्म भरने में इतनी मेहनत की लगातार 3 से 4 महीने। बात रही हमारे नगर पालिका कर्मचारी, इन्होंने भी लगभग 3 से 4 महीने सारे काम छोड़कर बस एक ही काम, लाडली बहना, लाडली बहना, लाडली बहना, सब काम को छोड़कर शासन के कार्य में पूरा पूरा सहयोग इनके द्वारा किया जा रहा है। अब इनके ही खाते में अगर पैसा ना आए तो बड़ा दुख का विषय बनता है। तो शासन से निवेदन है, कोई व्यक्ति रहे ना, आज नहीं आए हैं तो कल उनके खाते में पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, लगन से मेहनत की है, सब काम को छोड़कर मेहनत की है। तो सीधी सी बात है, निवेदन मेरा यही है कि जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कारण रहा है, इस विषय की जांच की जाए और जो रह गए हैं उनको भी पैसा दिया जाए, क्योंकि मामा जी की लिए बहन है, सभी एक समान है, छोटी हो चाहे बड़ी। तो मामा जी, देरी किस बात की, जांच कीजिए कहां पे पैसा रुक गया है, क्यों रुक गया है, कैसे रुक गया है। 1 रुपये तो खाते में आ गया, बाकी राशि नहीं आई, तो वो राशि भी इनको दिलवाई जाए, यही निवेदन है, स्वीकार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो। शिवराज सिंह के प्रोग्राम में अपार जत्था जाता हुआ किसान, महिला और सहकारी संस्थाओं की भीड़, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या अपार संख्या, लाडली बहना योजना सफल हुई, राजगढ़ उपस्थिति हो चुकी, हमारी पैसों डलवा देना। चारों तरफ यही स्थिति है, एक बड़ी राखी लाडली महिलाएं साथ ही साथ पाती भी भेंट करेंगे अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही साथ आज हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्र रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद करती हुई मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं एक बेहद खूबसूरत राखी से अपना आभार प्रस्तुत करती हुई, साथ ही में पाती भी भेंट करेंगी लाडली बहनाएं, जिसमें उनके भाव प्रस्तुत किए गए हैं। धन्यवाद दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उनके जीवन को बदला है, सवारा है, इसके प्रति धन्यवाद। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रस्तुत करती हुई लाडली बहनाएं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री सत्यनारायण व्यवस्था कर दी और अब 65 लाख तक ले जाएंगे। इसी राजगढ़ जिले में सुठालिया जैसी योजना पर भी काम करेंगे और सुठालिया में किसान मुआवजे की बात उठा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मुआवजा बढ़ाने का काम भी किया जाएगा, किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज फसल बीमा योजना का पैसा आया है, अपने नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदृष्टा है, छोटे छोटे किसान जिनको कर्जा कभी लेने ही नहीं मिलता था उनकी भी तो जरूरत होती है भाई, तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम तो हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालेंगे, 2,000 की 3 किस्त। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा